अस्सलाम वालेकुम, आई एम आकिर नवा। इन टुडे लेक्चर ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिशन आई डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम विच आर रनिंग इन पाकिस्तान। नो आई डिस्कस अबाउट द रिव्यू विच वाज कंडक्टेड बाय टू रिसर्चर असन या न्याजी एंड अशहरा या न्याजी एंड विद द कोलाब्रेशन विद ऑफ अरसलान बाबर। ये एक रिव्यू है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ठीक है। इसका ये इन्होंने जितने भी पाकिस्तान में न्यूट्रिशन प्रोग्राम वर्क कर रहे हैं इन्होंने उनका एक शॉर्ट रिव्यू लिया है, ठीक है। तो इसके अब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले देखें, अब्स्ट्रैक्ट का तो है इसका पूरा जो हो समरी होगी जितने नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो क्या है, ठीक है। हम न्यूट्रिशन प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं किसी भी कम्युनिटी पे, वो क्यों करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज कौन क्या क्या होते हैं, ठीक है। हम उसको किस तरह हम न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग करते हैं, देन उसकी सर्विलेंस सिस्टम किस तरह करते हैं, ठीक है। कि हम जो मोस्टली पाकिस्तान में न्यूट्रिशन सर्वे चल रहे हैं उसको मोस्टली हम जो माल न्यूट्रिशन है उसको कवर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी पहले क्या था कि पाकिस्तान में और बाकी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें न्यूट्रिशन इश्यूज बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनमें माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा सफरिंग रेट हो रहा था, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज़ में कुछ एनजीओज ने, कुछ यूनाइटेड नेशन ने, यूनेस्को ने मिलके, डब्ल्यूएचओ ने, उनकी जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ मिलके, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओज के साथ मिलके कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए टू राइज द अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक एंड विच ऑन फोकस ऑन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू द पीपल थ्रू आ फोर्टिफिकेशन एंड इन द डाइटरी कंपोनेंट। उन्होंने डाइटरी अवेयरनेस के थ्रू डिफरेंट जो हमारे फूड्स हैं उसमें फोर्टिफिकेशन के थ्रू उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट करवाया कि हम इन तरीकों से अपनी जो भी डेफिशिएंसी हैं उन्हें कवर कर सकते हैं, जितने भी रूट काजेज हैं माल न्यूट्रिशन के, जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर उससे हम किस तरह कवर कर सकते हैं, जिस तरह पॉवर्टी है, उसका इलिटरेसी है, सोशो इकोनॉमिक डिप्रेवाइजेशन है, ठीक है। अब इनको कवर करने के बगैर हम अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। और अवेयरनेस का बहुत रोल है इसमें कि जब प्रॉपर अवेयरनेस होगी तो हम एक हेल्दी फूड इंटेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बनते हैं, रिलेटेड कंसर्न है, उनमें माल न्यूट्रिशन एक लीडिंग इशू है, ठीक। अब इसमें है क्या कि अब जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर इसमें अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनमें क्या होता है कि ड्यू टू द लैकनेस ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट और ड्यू टू इलिटरेसी द कंट्रीब्यूशन टुवार्ड द जो है माल न्यूट्रिशन वो ज़्यादा बढ़ता है। कि जब एक फूड सिक्योरिटी का इशू तो आ रहा होता है उस वहाँ पर, ठीक है, उसके अलावा फूड अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा होता है, अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा है, आप एक्सेस ही नहीं है एक चीज़ तक, आप किस तरह उस वो फिर अपनी डेफिशिएंसी कवर कर सकते हैं कि एक वहाँ पर जो जनरल पॉपुलेशन उनकी एक नॉर्थ फूड तक एक्सेस ही नहीं है, वो किस तरह कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर एनजीओ के साथ मिलकर लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू किए, ठीक है। तो पाकिस्तान में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्ट होता रहता है, पहले 2011 में हुआ था, देन 2018 में रिसेंटली नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्ट हुआ जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो वो किस तरह होता है कि उसमें जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वो कोलोबरेट करती है यूनिसेफ के साथ, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि 41.5% जो चिल्ड्रन थे पाकिस्तान में, ठीक, अंडर द एज ऑफ 5 वाज अंडरवेट एंड 31% वाज स्टंटिंग एंड अप्रोक्सीमेटली 12% वाज वेस्टिंग एंड 50% वाज एनीमिक। ये इनकी की फाइंडिंग है, ठीक है, कि इनके अकॉर्डिंग ये था कि पाकिस्तान में जो अंडर फाइव पाकिस्तान में वो हैं जो कि अंडरवेट बच्चे हैं, 42% अप्रोक्सीमेटली अंडरवेट हैं, 31% स्टंटिंग है, 12% वेस्टिंग है और 50% है जो कि आयरन की डेफिशिएंसी है, नीमिक हैं, ठीक है। तो अब ये जो सर्वे कंडक्ट करते हैं उसके अलावा फिर वो अपनी इंटरवेंशन करते हैं इसको कवर अप करने के लिए। देन सिमिलर कंडीशन वाज आल्सो सीन इन द फीमेल ग्रुप, के उनमें फीमेल ग्रुप में क्या था, आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी। फीमेल ग्रुप में क्या था, 45% तो जो वुमेन थी उनमें आयरन डेफिशिएंसी थी और 20% वुमेन में क्या थी, उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। उसके अलावा ये क्या था कि 44% जो चिल्ड्रन थे वो मारनोज थे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन क्या है कि उसका ये इशू क्या था, उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटरवेंशन नहीं थी, ठीक है, और जितने न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो प्रॉपरली नहीं रन हो रहे थे वहाँ पर, अवेयरनेस की कमी थी, सर्विलेंस सिस्टम नहीं था कोई प्रॉपर, ठीक है। तो देन क्या हुआ कि इन्होंने कोलोबरेट करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, वहाँ पर एनजीओ के साथ
इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशन सर्विलेंस के थ्रू इन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किए, ठीक है, उनके देन उनके सर्विलेंस चेक किए, वेलनेस, और फिर उन्होंने उनके थ्रू जिस तरह फूड फोर्टिफिकेशन, जिस तरह फोर्टिफिकेशन हो रही है फूड्स में, विटामिन ए डी की फोर्टिफिकेशन ऑयल में हो रही है, ऐसे ही बाकी फूड्स में फोर्टिफिकेशन हो रही है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनके थ्रू फोर्टिफिकेशन हो रही है, ठीक है, टू कवर अप टू मोप, जिस तरह आयोडीन की फोर्टिफिकेशन रिचमेंट करते हैं उसमें साल्ट्स में आयोडीन की, ठीक है, ऐसे विटामिन ए डी की करते हैं ऑयल में, ऐसे ही जूसेज में विटामिन सी की करते हैं, विटामिन डी करते हैं, कैल्शियम की इनरिचमेंट करते हैं, इसके अलावा कुछ प्रोटीन के बार्स हैं जिसमें जो चॉकलेट बार्स होते हैं उसमें प्रोटीन के रिचमेंट करते हैं, कि ताकि कवर अप कर सके जितने भी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज बनते हैं, ठीक है। अब ये कि ये डिपेंड करता है उसकी इकोनॉमिक्स पे, उसके उस कंट्री इकोनॉमिक्स पे, वहाँ पे हेल्थ स्टेटस पे, वहाँ पर जो फूड सर्विलेंस सिस्टम है उस पर, कि जब एक सिस्टम ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप किस तरह कवर कर सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान में ये क्या है कि जो डिफरेंट न्यूट्रिशन ने मिलके, जो उसके अलावा इकोनॉमिक्स ने मिलके, डॉक्टर्स ने मिलके, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो हैं उन्होंने मिलके, एग्रीकल्चर के साथ मिलके उन्होंने एक कोलोब्रेशन की, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान में कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करवाए, ठीक है, विच रन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनमें सबसे पहले कि स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है, स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो था वो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके और यूनेस्को के साथ मिलके इंट्रोड्यूस करवाया। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को, यूनेस्को ने मिली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, इन्होंने क्या किया स्कूल में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो उन्होंने उसके थ्रू क्या था कि उन्होंने उन्होंने स्कूल में एक्सक्लूसिवली न्यूट्रिशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं स्कूल में, कि उन्होंने क्या किया कि न्यूट्रिशन इंटरवेंशन इकट्ठी की स्कूल में, जो भी उनके इनके इंफॉर्मेशन इकट्ठी की बच्चों की, ठीक है। देन क्या किया उन्होंने वहाँ पे एक बैलेंस उनका फूड अवेलेबल किया उन बच्चों तक, तो जितने भी पुअर एरिया के स्कूल थे उन्होंने प्रॉपर ये लंच बॉक्स सिस्टम ना उन्होंने शुरू कर दिया। ये किसके थ्रू किया उन्होंने, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है ना, कि उन्होंने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू वहाँ पे प्रॉपर इंटरवेंशन शुरू की, वहाँ पे उनको उनको फूड प्रोवाइड किया, ठीक है। देन क्या किया उनको अवेयरनेस दी, वो जितने भी ये पुअर एरियाज हैं वहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन का जो इश्यूज आ रहा है, ठीक है। देन दिस प्रोग्राम रन द कंसेप्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इंटरवेंशन अमंग द चिल्ड्रन विल नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर देयर ओन हेल्थ बट आल्सो एजुकेट द देम एंड आल्सो हेल्प टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव, के उन्हें इन्होंने ना तो सिर्फ उनकी फीडिंग की, उन्हें ना तो सिर्फ उन्होंने फूड प्रोवाइड किया स्कूल लेवल पे, बल्कि उन्होंने उन्हें न्यूट्रिशन एजुकेशन दी, न्यूट्रिशन अवेयरनेस दी, कि आप ये अवेयरनेस अपनी कम्युनिटी लेवल पे और अपने हाउस होल्ड लेवल पे ये प्रोवाइड करें लोगों को, ठीक है। देन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम इट इज़ एलिवेटेड सिग्निफिकेंटली, इट इज़ बैक टू द 1917, के अब ये जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ठीक है, 1917 में, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो डिप्लॉयड किए गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट स्कूल में, जितने भी लोकल एरियाज हैं वहाँ के हॉस्पिटल में डिप्लॉयड किए गए। तो लेकिन क्या हुआ कि ड्यूरिंग 1918 में क्या हुआ कि जो ये प्रोग्राम था इसको फर्दर इसमें प्रोग्रेशन आई, कि ये इन्होंने क्या किया इन्होंने स्क्रीनिंग शुरू कर दी वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड। पहले तो ये था कि वो जो फूड प्रोवाइड करते थे और क्या था कि कम्युनिटी लेवल पे गाइडलाइन प्रोवाइड करते थे, देन क्या किया इन्होंने स्कूल लेवल पे इंटरवेंशन शुरू कर दी, स्कूल लेवल पे उनकी असेसमेंट स्टार्ट कर दी, कि उसकी वजह से उनके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड डेटा होता था, ठीक है, जब उन्होंने स्कूल लेवल पे हेल्थ रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट की टू प्रिवेंट और टू ट्रीट द डिजीज, ठीक है, उनको आइडिया हो जाता था कि जितने ये बच्चे हैं उनमें ये इशूज हैं उसको हम किस तरह कवर कर सकते हैं। देन फर्दर इट हैज़ बीन आर रिपोर्टेड दैट द इंक्रीज द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट एंड द एजुकेशन परफॉर्मेंस, के अब इसकी बेस पे क्या था, जब जाहिर है कि डिजीज ने कंट्रोल होना है तो स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी है, स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस में इंक्रीज आनी है, ठीक है। देन फर्दर कुछ इशूज आए इसमें कि अब ये जितने भी दूर दराज के इलाके थे, गाँव थे, ठीक है, स्मॉल टाउन टाइप थे, वहाँ पर यह था कि जो डॉक्टर थे वो इतना प्रॉपरली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं से करते, ठीक है, मोस्टली उनका जो डॉक्टर की अटेंडेंस होती थी वो ड्यूटी का निगलेजेंस ऑफ द हेल्थ केयर अथॉरिटीज, के वो उनका ड्यूटी से स्किप कर देते थे, वो इसी वजह से इसमें थोड़े से इश्यूज आए।
देन क्या था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट इनिशिएटिव MI इनिशिएटिव जो है ये हुआ था यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके इन्होंने ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमने ये जितनी भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है उसमें कवर करनी है। जैसे ही पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान में ये आयरन की डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी ये उसको कवर, जिंक डेफिशिएंसी उसको कवर करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ कि उन्होंने इसमें सप्लीमेंट प्रोवाइड किए है, ठीक है। उन्होंने थ्रू प्रॉपर आस्ट स्क्रीनिंग उन्होंने की, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एरिया थे उनमें प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोवाइड की उन्होंने की। और उसके अलावा क्या किया, उन्होंने सप्लीमेंट प्रोवाइड किए विटामिन ए के, विटामिन उसके अलावा जिंक के सप्लीमेंट प्रोवाइड किए, ठीक है। उन्होंने कम्युनिटी लेवल पे गाइडलाइन दी, ठीक है। देन इट्स आल्सो प्रोवाइड द एक्सपर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू ट्रेन द इंडिविजुअल पर्सनल फॉर अ प्रोग्राम इन्वॉल्व इन द साल्ट आयोनाइजेशन एंड द फ्लोर फोर्टिफिकेशन। क्या अब जो फ्लोर है उसकी प्रॉपर फोर्टिफिकेशन हो रही है, विटामिन बी के साथ फोर्टिफाइड फ्लोर हो रहा है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया कि इसके अलावा उन्होंने जितने एक्सपर्ट थे उनको उनको ट्रेन किया कि वो जितने भी फूड इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे जाएं, वो जिस तरह ऑयल में यू फोर्टिफिकेशन हो रही है, इनरिचमेंट हो रही है किस जगह पे, उसके अलावा फ्लोर में फोर्टिफिकेशन हो रही है, विटामिन डी को इंक्लूड किया जाता है आटे में, उसके अलावा साल्ट की आयोडाइजेशन की जाती है, कि ये भी उन्होंने जितने एक्सपर्ट थे उनको उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन शुरू किया, ठीक है। अब देखें इसी माइक्रो न्यूट्रिएंट इनिशिएटिव की वजह से लोगों में एक रिकवरी आई, ठीक है। जो फीमेल थी उनमें 60% जो आयरन और फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन से उनको उन वो टारगेट हुई 60% वुमेन तक, और 95% चिल्ड्रेन थे जो कि अंडर 5 जो विटामिन ए डेफिशिएंसी थी उसको कवर किया। ऐसे 70% तक जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती थी वो 70% तक जनरल पॉपुलेशन को टारगेट किया गया, उनके एक्सेस में आया आया आयोडाइड साल्ट, जिसकी वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो कवर अप हुई, ठीक है। वन ऑफ द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम इज नॉट दैट मैनेज टू आइडेंटिफाई द ऑलरेडी वेलिएबल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नॉट प्रीवियसली बीइंग पुट ऑन द ऑप्टिमल एंड इनकॉर्पोरेट इट इन टू द ओन प्रोग्राम। के इसमें यह कि उन्होंने प्रॉपर ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसमें इन्होंने क्या किया, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो इनिशिएटिव था ये स्टार्ट किया। तो इसमें यही है कि इन्होंने प्रॉपर उनके थ्रू माइक्रो न्यूट्रिएंट इनिशिएटिव के थ्रू इन्होंने वहाँ पर जितनी भी मोस्टली विलेज एरियाज में, ठीक है, वहाँ पर हेल्थ स्टेटस इंप्रूव किया जब उन्होंने माइक्रो न्यूट्रिएंट उन्हें प्रोवाइड किया। देन एक पाकिस्तान प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तवाना पाकिस्तान, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में क्या था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है उन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ उसके साथ मिलकर ये स्टार्ट किया, जो लोकल गवर्नमेंट है आपकी, उन्होंने क्या किया कि जो प्राइमरी स्कूल में गर्ल्स होती हैं उन पे ये इंटरवेंशन की गई तवाना पाकिस्तान में, ठीक है। उनमें उनका जो मेन एम ये था कि हमने इस प्रोग्राम के थ्रू जो माल नोट्स जो गर्ल्स हैं और उनको हमने कवर अप करना है, जो भी कम्बेटिंग माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज है उसको कवर अप करना है, और जो स्कूल की अटेंडेंस हमने ज़्यादा करनी है जो प्राइमरी स्कूल से स्पेशल विलेज के, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इन्होंने मील प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जितने भी दूर दराज के विलेज के एरिया थे, उसमें मोस्टली 4,18,000 गर्ल्स थी जो कि इससे फायदा जिनको मिल रहा था, ठीक, इससे कवर अप हो रही थी। तो देन फर्दर ऑलमोस्ट 94,000 वुमेन वार ट्रेंड थ्रू दिस प्रोग्राम एंड स्प्रेड द न्यूट्रिशन अवेयरनेस टू डियर कम्युनिटी। तो इन्होंने जिस तरह बेसिक हेल्थ यूनिट से वहाँ पर जो जो फीमेल आती हैं, ठीक है, वो भी न्यूट्रिशन गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, वो जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स के वो जितने भी वर्कर्स थे उनको ट्रेन किया, उन्होंने लेडीज़ को ट्रेन किया, लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, उन्होंने 94,000 लेडी हेल्थ वर्कर को ट्रेन किया। वो उनका काम था, उन्होंने दूर-दूर एरिया में जाना था वहाँ पर न्यूट्रिशन अवेयरनेस देनी थी कम्यूनिटीज़ को, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंसली ड्रॉप आउट में फाइंड हुआ माल न्यूट्रिशन में, ठीक है। उसके अलावा स्टंटिंग वेस्टिंग ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। उसके अलावा इनका टारगेट ये था हमें स्टंटिंग कंट्रोल करना है, वेस्टिंग कंट्रोल करना है, हमने माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करना है, और हमने जो अंडर वेट होता है उससे कंट्रोल करना है, हमने स्कूल में अटेंडेंस हमने ज़्यादा करनी है, ठीक है। देन दिस प्रोग्राम अबाउट टूगेदर एन अकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑन वेरियस गवर्नमेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट फॉर इट इम्प्लीमेंटेशन। देन दे क्या कि इनमें प्रॉपर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी या NGO थी उन्होंने मिलकर इसे वेल डिज़ाइन जो ये प्रोग्राम था उसे इन्होंने प्रमोट किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन जो ग्रोइंग
गर्ल्स होती हैं उनमें इनमें कवर हुआ। देन द डायरेक्ट ट्रेनिंग ऑफ द सच अ लार्ज नंबर ऑफ द वुमेन इज रनिंग न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम इज करंटली अ बिग अचीवमेंट। के दादा है कि इन्होंने 94,000 फीमेल को जो कि लेडी हेल्थ वर्कर्स थी उनको ट्रेन किया। उनका काम था कि उन्होंने न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोवाइड करनी थी दूसरे एरियाज में जाके, ठीक है, तो ये इनका काम था। देन देर द मेन प्राइम फोकस ऑन द गर्ल्स एंड द वुमेन्स सो अचीव द ग्रोथ और टू अचीव द डिजायर ग्रोथ आर टू इंक्रीज द बॉयज एंड द मैन इन डियर डोमेन एज वेल। ठीक है, इनका काम था मेन था कि इन्होंने फोकस करना है फीमेल को और गर्ल्स को, उसके अलावा ये मैन को भी जो लोग थे उनको भी ये न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड कर। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ नेशनल प्रोग्राम फॉर द फैमिली प्लानिंग एंड द हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ थी पाकिस्तान की, इन्होंने 1994 में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। इनका प्राइमरी इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्होंने जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, डोर स्टेप पर जाके इन्होंने गवर्नमेंट पे जाके प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करनी जो कि बेसिक हेल्थ यूनिट के थ्रू होती हैं। ठीक है, इन्होंने ये मोस्टली कवर किया इसमें रूरल एरियाज़ को। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मोर देन 1 लाख इन्होंने जो लेडी हेल्थ वर्कर्स थी उनको ट्रेन किया। उनका काम यह था कि उन्होंने जो रूरल एरियाज़ में जो रहती थी उनके उन्होंने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन देनी है, कम्युनिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, देन फिर फर्दर उन्होंने इसके थ्रू कुछ सप्लीमेंटेशन का भी आगाज़ किया था। इन एडिशन टू द हेल्थ सर्विस उनका कुछ अदर भी ऑब्जेक्टिव थे कि उन्होंने न्यूट्रिशन डिवाइस देनी थी कम्यूनिटीज को। ठीक है, उसके अलावा इनको आयरन और फ्लैट के जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स के सेंटर बनाए थे उसके थ्रू आयरन और फ्लैट के सप्लीमेंट भी और कैल्शियम के सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करना इनका काम था। ठीक है, देन जो ये प्रोग्राम था ये 65% जो इनहिबिटेड एरिया से वहाँ पे ये इन्होंने कवर किया। ठीक है, उसके अलावा ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम था, इन्होंने 19 मिलियन पीपल को इसकी सर्विस प्रोवाइड की। देन लेडी हेल्थ वर्कर एंड ट्रेन हेल्थ वर्कर एक्सेस टू द ऑल द वैल्यूएबल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्ले एन न्यूमेरियस रोल इन द सपोर्टिंग ऑफ द रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान ड्यू टू द इस साइज एंड एफिशिएंसी। के आप देखें ना कि इतने ज़्यादा ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर थे, इन्होंने जो ऐसे एरिया जहाँ पर न्यूट्रिशन रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड एक्सेस नहीं था टू अ हेल्दी हेल्थ केयर प्रोग्राम और हेल्थ केयर सिस्टम, उन्होंने वहाँ पे जाके उनकी प्रॉपर सपोर्ट की। हेल्थ केयर जो सिस्टम था उसको उन्होंने इंप्रूव किया, वहाँ पे उन्हें उनकी सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया और अवेयरनेस प्रोवाइड किया। ठीक है, देन आर न्यूट्रिशन विंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन विंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ जो है ये NIH के अंडर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो जितनी भी NGOs वर्क कर रही होती हैं तो उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इन्होंने क्या किया कि न्यूट्रिशन विंग इंट्रोड्यूस करवाई। तो उसके इन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट करवाया टू कवर जिस तरह प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को कवर अप करने के लिए विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। और इन्होंने जो फ्लोर है अब इसमें फोर्टिफिकेशन हो रही है तो इन्होंने वो इन्होंने इम्प्रूव करने के लिए इसको हाईलाइट किया। फूड अब मोस्टली ये जितनी फ्लोर मिलते हैं फूड उसको फ्लोर को कर रहे हैं फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं फ्लोर की विटामिन डी के साथ, उसके अलावा विटामिन ए की उन्होंने सप्लीमेंटेशन सप्लीमेंट्री प्रोग्राम स्टार्ट किए। देन उन्होंने फूड सिक्योरिटी पे उसके अलावा फूड क्वालिटी पे उन्होंने बड़ा ज़्यादा इसका फोकस किया। तो इनका यही मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड अ होलसम एंड अ न्यूट्रिशन फूड टू द होल कम्युनिटी। देन द एक्सेसिव प्रोग्राम टारगेट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग द मटर्नल चिल्ड्रन फैक्ट एडोलसेंट एडल्ट्स एंड एल्डरली न्यूट्रिशन। इन्होंने इस पर कोई स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया जिस तरह तवाना पाकिस्तान उन्होंने सिर्फ गर्ल्स को किया था, ऐसे ही जो बाकी प्रोग्राम थे माइक्रो न्यूट्रिय इनिशिएटिव था जिनको डेफिशिएंसी होती है उनको इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने कहा कि इन्होंने जनरली इन्होंने इसको जितने ग्रुप्स हैं चाहे वो इल्डरी हों चाहे वो प्रेगनेंसी के रिलेटिव ग्रुप हों चाहे वो जीडियाट्रिक हों चाहे वो अंडर प्रीकंसेप्शनल हों, ठीक, उन्होंने क्या किया उन्होंने सबको के लिए कहा कि आप सप्लीमेंटेशन करें, आप उसके अलावा जो फोर्टिफिकेशन है उसको आप यूटिलाइज करवाएं जितने भी फ्लोर मिल रहे हैं उनमें या ऑयल इंडस्ट्री में विटामिन ए विटामिन डी की इनरिचमेंट करवाएं, विटामिन डी की इनरिचमेंट करवाएं उसमें। ठीक है, उसके अलावा कैंडीज़ में वो उन्होंने कहा कि आप माल न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए कैंडीज़ में करवाएं, उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी मदर में कन्वर्ट उस कवर करने के लिए अपने कुछ ऐसे इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किए कि अवेयरनेस करवाएं, उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को उन्होंने बड़ा फोकस किया जिसकी वजह से
और उसके अलावा जो लोकली आयोडाइज साल्ट्स हैं उसके उन्होंने बड़ा इस पे वो काम किया। देन अदर प्रोग्राम और बाकी पाकिस्तान में बाकी अदर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कुछ जो के कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, ठीक है, कुछ स्मॉल लेवल पे एनजीओज वर्क कर रही हैं, ठीक है, जिनका काम यही है कि टू क्रिएट अ न्यूट्रिशन अवेयरनेस अमंग द मास ऑफ द पीपल। देन अ मोटर प्रोग्राम वर्क विद द कोलोब्रेशन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह न्यूट्रिशन इंटरनेशनल है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ के, ठीक है, वो की करती है गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्होंने डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। लिमिटेशन एंड एग्जिस्टिंग और प्रोग्राम के लिमिटेशन यही है कि इसमें आप ओवरऑल को तो टारगेट नहीं कर सकते। उसके अलावा सबसे बड़ा इशू ये आता है कि इलिटरेसी का बहुत बड़ा इशू है, सोशो इकोनॉमिक डिप्रोवाइजेशन है, पॉवर्टी के, जब तक तो पॉवर्टी को आप कंट्रोल नहीं करेंगे आप कभी भी आप माल न्यूट्रिशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कभी भी जाहिर है किसी के पास एक्सेस ही नहीं है, ठीक है, एक किसी को पास से आप किस तरह उसको फूड प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक। चलो आपने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया, आप 1 माह 2 माह 3 माह उन्हें फूड प्रोवाइड करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसे किस तरह फूड प्रोवाइड कर, इसलिए जब तक हम पॉवर्टी हमने कवर नहीं करनी तब तक ये इश्यूज बनते ही रहने। उसके अलावा इलिटरेसी बहुत बड़ा इशू है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बड़ा इशू है, कि जब इलिटरेसी होगी उनको पता ही नहीं होगा, कि इसलिए उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। देन की फार मीन्स देर शुड बी अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देर शुड बी अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट प्रोग्राम्स विच आर कंडक्टेड एट गवर्नमेंट एट अ कम्युनिटी लेवल एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल और इन नेशनल लेवल। देर शुड बी अ इफेक्टिव कोलोब्रेशन बिटवीन द एनजीओज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देन द मेन फोकस शुड बी ऑफ आर न्यूट्रिशन प्रोग्राम आर शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी, वी शुड प्रोवाइड एन हैंडसम एंड अमाउंट ऑफ द फूड एंड अ होलसम फूड टू द ओवर कम्युनिटी एंड वी शुड बी केयरफुल अबाउट द फूड सिक्योरिटी, के जब तक तो आप फूड सिक्योरिटी को आप नहीं कवर अप करेंगे तब तक आप कभी भी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस एंड पे क्या मैं डिस्कस करूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे जितनी पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट लेवल पे लेजिस्लेशन होती हैं, ठीक है, उनमें ये कि वो इफेक्टिव लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम मास ऑफ पीपल है वो कवर हों। ओके, अल्लाह हाफिज़।